एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्री रमेश कुमार तीर पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा पिया छे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच नवीन तीर, शैली तीर, रुद्र तीर, हांसिका तीर अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों श्री रामहाल देवी तला मंदिर जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री रमेश कुमार तीर जी दा जन्म पिता श्री अमरचंद तीर जी दे घर माता श्रीमती सत्यावती तीर जी दी कुखों जलंधर विखे 3 दिसंबर 1946 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालक सन। आप जी दा अपने भैणां भरावां जिन्हां विच सुरेश तीर, सोमनाथ तीर, बिट्टू तीर, कुकू तीर, शिंदो जी, पोली जी, गुड्डी जी, रेनू जी नाल गहरा मोह सी। आप जी ने अपनी प्लस टू तक दी एजुकेशन हासिल कीती, उपरंत आप जी दुबई चले गए अते एक पेट्रोलियम कंपनी विच आप जी ने सेवावां निभाउणियां शुरू कर दित्तियां। आप जी ने अपनी लाइफ विच बहुत स्ट्रगल्स देखियां अते आप जी दा पूरा जीवन संघर्षां नाल भरिया जी मरिया। आप जी ने अपने हर काम विच बहुत मेहनत कीती अते खूब नामना भी खटिया। जदों आप जी दुबई विखे रहिंदे सन तां आप जी दे पिता जी बीमार हो गए, जिस करके आप जी वापस जलंधर आ गए अते इत्थे आ के आप जी ने अपने पिता जी दे बिजनेस जो कि चक्की दा कारोबार करदे सन उस विच ही हाथ वटाउणा शुरू कर दिता। आप जी ने इस काम विच भी खूब मेहनत कीती अते खूब प्रसिद्धि हासिल कीती अते आप जी उच्ची चक्की वाले तीर दे नाम नाल जाने जाण लगे। उपरंत समय समय ते आप जी अपने कारोबार विच बढ़ोतरी करते रहे। आप जी दा व्याह सन 1971 विच श्रीमती सुनीता तीर जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी ने अपने बेटे श्री नवीन तीर जी नूं अपने भरा श्री बिट्टू तीर जी कोलों गोद लिया। आप जी ने अपने बेटे दे सारे चा मुलार पूरे कीते अते दुनिया दी हर खुशी उसनू प्रदान कीती। श्री रमेश कुमार तीर जी एक पवित्र आत्मा सन अते एक परमात्मा रूपी इंसान सन। आप जी हमेशा ही हर एक दी मदद ले त्यार बर त्यार रिहा करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच चाहे श्री रमेश कुमार तीर जी साडे विचकार नहीं हन, पर उन्हां दे पाए पूर्णियां ते अज वी उन्हां दा परिवार चल रहा है। जिथे तेरे वड़े
कवि ने शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर की है। प्राणी के संसार के जन्म होया है, तेरिया अखा बिच आंसू है, संसार में तू छट के जाते हैं फिर भी तेरिया अखा बिच आंसू है, पर वो आंसू सानू दिखाई नहीं दे। तीर साहब अज कथा का प्रसंग बैराग तो शुरू कर, बैराग का मतलब यकदम जरा एक कश सब। देखो भजन बोलना कोई एक औखा काम नहीं गा, तुसी आप ही बोल लो। गरड़ कुरान पढ़ना कोई औखा काम नहीं, पंजवी का बच्चा जिहड़ा है ब्राह्मणा को भी सब भाषा अच्छा पढ़ लै, ढोलकियां बजा लै, बाजे बजा लै, एक अलग प्रमाण। दुख दे काम दे उत्ते सिर्फ गरड पुराण की ही व्याख्या होनी चाहिए, किदां प्राणी आया, किदां दुख सुख हो गए, किदां ग्रस्त चलाया, किस तरह मौत हुई, फिर 84 लाख जोनी कीड़ी मकौड़े पशु पक्षी जीव हल जल चारे इस संसार के विच आन के जन्म लिया। दीप सब सारी कथा का प्रसंग में चंद मिनटां विच करके दसदे। गर्द पुराण के विच एक शब्द लिखिया है, गर्भ रोगे पुराण ते शमशान। तीसरा जिहड़ा इस चार शब्दों को समझ आएगा उनका लोक भी सुधर जाएगा ते परलोक भी सुधर जाएगा। गर्भ माता इक्की मां नरक स्थान बालक स्वास्थ्य है, परम पिता परमात्मा वाहेगुरु अकाल पुरख देव जी को प्रार्थना करता है कहता कि हे प्रभु मैनू इस नरक योनी के बीचों छुटकारा कर। देखो तीसरा परमात्मा सुनते कई बार कह रहे हैं कि देखो धनवान भी सुन ली, मारे भी नहीं सुन ली, साड़ी सोच गलत है, विचारधारा साड़ी शुद्ध नहीं की। भगवान अंग अंग विराजमान गर्द पुराण के तीसरे अध्याय में एक शब्द लिखे है, तुसी मेरे बुजुर्ग हो, भगवान कहते आप इस साथी अदालत दे विच चाहे वो सबल है, निर्मल है, दुखी है, मूर्ख है, पंडित है, गुरु है, विद्वान है, धनवान है, पर उसे तोड़ के गल होनी। ये सब जो बीज रहे हैं ना सानू कटना एक दिन होगी, परमात्मा की कृपा। जिस वक्त भगवान ने फरियाद सुन ली बालक संसार के विचारों की जन्म है। अच्छा ये दसो बालक रोंदा क्यों है, रोंदा कारण हर चीज का कारण है,
बालक विश्वास फिर होता है, कहता कि हे प्रभु हे परमात्मा वाहेगुरु अकाल पुरख है, और जिस जोनी नु छड़ के गया सी मेनू त्याग के तू फिर उठी पसा माया मरीना मर साइंस भी कहती है डॉक्टर भी कहते हैं अगर बालक ना हो गए असीन बीमार है और रोंदा इस वास्ते आ केड़े दिन जाला में कि प्रभु बनो ने आके प्रसाद दुखी बंदे को चले जा वो की कहता है कहता प्रभु जी मैं ठीक हो जावांगा तेरे चरणा का स्मरण कर। चलो पहली गल ये दसो असी भी कहने हैं बीमार हो गए प्रभु सिमरन कर पर जिसको अगर ठीक हो जाने हैं बाद में की कहने रब कितने आ तीसरा दसो रब कितने मंदिर भी बैठा गुरुद्वारा गिरजा के मसीत भी बैठा पंडिता दोवें ज्योतिषियां विद्वाना महापुरुषों को बैठे उत्ते तो मन सुकून मिलते श्रुति समिति लिव लागा ने जिस स्वागत इस लगन नो तुसी प्रभु दे चरणा विच लगाओगे भगवान तो हटा तुसी परमात्मा पर वो लगन लगनी ने रस्ते में नौ शैतान बैठे काम क्रोध मोल और किसी का इच्छा द्वेष अगर इन्ना नो तुसी उत्ते उठ जाओगे तो फिर भगवान के दर्शन भी पाना कोई औखा कम नहीं दस और कहते सुचिंतन। देखो चीजा दो है चिंता सुचिंतन। शास्त्र की कहते हैं चिंता राम के दिए गुरु माने कहते चिंता का भी भाई जेड़ा बनया उन्हें टुकला है जेड़ा जमया है उसकी मत एक गल तो तुम मनते चिंता नहीं सुचिंतन। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਯਾਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ सारी उम्र लालन पालन करते रहे मेहनत करते रहे मेहनत में जान के कहानी संपन्न यही कहने हैं मारे कहते हैं जिस स्वागत है उथे शोध होता है उथे ज्ञान होता है ज्ञान का मतलब की है सूरज उदय होता है अंधेरा दूर हो जाता है लाइट जगाती है तो प्रकाश होता है मंदिर पर लाइट के पीछे की अंधेरा असि बड़े बड़े ग्राम ने स्टेजा ने बह के असि लोगों को ज्ञान देने हैं कभी अपने अंदर भी थापी मान ली है बड़ा बुरे को देखन चला बुरा देखा कोई अपने पेशे देखे तो भाई हम सब बुरा ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਲਈ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਕੱਟਣ ਸੰਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪ ਬਣ ਜਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ अपने अंदर चंगाई प्रकट करो अपने अंदर अच्छी शिक्षा करो। अच्छा जिस वक्त संस्कार तीसरा एक दसो
अज संस्कार के असं पंज नहीं पिलाते हाले शरीर सत्रह साल अग्नि पकड़ती नहीं सोटी खाओ सोटी तो सोटी का मतलब की है और कहते पाठी एक पाठ है प्राणी जब तक सीधा पटाका ना बोल जाए महाराज कहते हैं संस्कार पूरा मनिया ही नहीं जाता पर साडे कोल इन्ना भी टाइम नहीं असीं दो मिनट खड़े होके संस्कार कीता पंडित जी भी आए ब्रह्मा विष्णु भाव तक आया तत्व में जिधरों प्राणी आया जिस वक्त ईसा बाहर आती है फिर दसो फिर की होता है वो सारी दुनिया के नाल है जो होगा सो दिखा है नंबर चार सन गुरबाणी में जिस शब्द लिखे है संग सखा सब तजनियों कौन नन लिपियो साथ कौन नाने के इस विपत में एक एक जिस वक्त मुसीबत आ गई चल प्रभु की शरण में रहिए जिस वक्त खुशी प्रभु जानते नहीं गए ला आई दसो पीर साहब इतने तुम असि कद नहीं आए बड़ी दूर जाने की गल पैसे चढ़ाते फुल चढ़ाते रोटी खा ले हाथ जोड़ दिते जिन्हों श्रद्धांजलि कहते श्रद्धांजलि का मतलब है श्रद्धा किसी भी शोक सभा जाओ पहली गल तक की गल ही नहीं करनी चाहिए जिन्ना मर्जी काम हो गल नहीं करनी क्योंकि पुरानी देख कौन आया कौन बैठा कौन सत्संग ब्राह्मण संन्यासी उदास की बोलते शर्म शर्म ही नहीं किया कि तुहानू उस संग के जान की जरूरत की है बोले शाह ने शब्द लिखे है जे रब मिलता नहाते हाँ तोते हाँ ते मिलता कदमा मच्छियां जे रब मिलता जंगलां दे विच ते मिलता गौवा मच्छियां बड़ी मसानी सब नहीं कहने हैं बाबा बड़ा सियाना है पंडित जोशी तांत्रिक बड़ा सियाना है दसो सियाना है कौन मैनू भी संताली साल कलियां जाते हो गई है मैं राम को पाना कोई इन्ना सौखा नहीं जन्म निर्माण करता कई तपस्या करनिया पैनिया है फिर जाके रब प्राप्त बुले शाह ने शब्द लिखे है रब उस मिलता जिन्ना दिन नीत सांझ बराबर कप नहीं अरे झूठ बराबर पापे जान के हिरदे सांझ है तां के हिरदे आप जिस बंदे की चार धारा शुद्ध है ना परमात्मा उस आज ये तीन परिवार पहले भी कशाया के वो आइता त्याग बच्चा ना दिन का तो काम आज परिवार के सर्वस्व बैठे या बिंदू जी शहर के एक नाम ती परिवार की पहचान एक अशोक शंकर सौरव उन्हों का परिवार बैठा है वो पहले संसार के प्रभु चरणा वही अज शरण कुमार सपुत्र राजू सभी बेटा बहुरानी इतों पहले एक
मां का प्यार जरा अलग चीज है, क्योंकि मां बाप जिंदगी कभी मिलते नहीं है। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, बार बार मां बाप वर्गा प्यार ना किसी ने दिता बेटा, ना कोई दे सकता। निको आशु शमी आशीष आर्य निशा रूबी ये बच्चे जेड़े यार एक सारा खिड़िया बाग परिवार बच्चों का हुक्म होया हरसरा साहब का क्या नहीं पंडित जी देखो ये सारा परिवार यार दोस्त जेड़े आ भाइयों तो वध के पंक्ति के सपरा पर खास तौर पर निंदन बेरी कंधे ना कंधा मिला क्या भी पंडित जी साडे परिवार के सरप्रस्त अज रमेश जी प्यार का नाम बिल्लू जी जिहड़े सारी मंडी सारा शहर सारा जगत जानता है उस इंसान में चलते चले। अज हम बेटे एक दस तेरे पिता कह गल मुझे खूब ध्यान बिल्लू जी सफाई तो बड़े कह दी हर सुते भी पिछले हो कहते पंडित जी वो कष्ट आ गया अटैक हॉस्पिटल चलो मिनटा कोई बीमारी नहीं को कष्ट नहीं गल नहीं को बात नहीं एक बहान पहली गल ये दसो बीमारी शब्द की है गुरबाणी का शब्द है जो जो विशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी मारे कहते हैं जो तू बीजिया ना ना तेनों तो ही बाकी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी गुरु महाराज कहते तेरे का दुख आया मेरा कोई मतलब नहीं तेरे घर खुशियां के अंबार आया मेरा फिर भी कोई मतलब नहीं दुख सुख परमात्मा सारा समाज लगे कुर्माचारी रिश्तेदार मन का दाता का सारा सारे समाज पहुंच गया या बेटा बहुत माड़ा हुआ है शो बिट्टू जी अच्छा चला गया पहले तो चले गए बहुत माड़ी गल अच्छा बेटा मैं सारे ने किया कि तेन सौ गए चल पुत्र बन गया ये रखने वाली चीज नहीं रही चलो हम प्रस्थान करें एक बेटाए ब्रह्माही मुखम पुत्र बेटा एक भी लैक भी कलावे सारे बिल्कुल ले बेटा पुत्र से गल करता कहता तुम हाथ कर दे आप देखो मां बाप की शक्ल साया चली जाए क्या दुख नहीं हो हक नहीं करते जिस तरह लागे सोई तरह नहीं आग वेगा तेरे घर में लगी है तेनू पता है कि शेख की है भाइयों को पता धीर परिवार को पता है दूसरा आया ठीक है कोई नहीं परमात्मा बली करे मारे बली करे यही कह के चले एक शब याद रख अश्वमेधम सहज क्रियाग पूर्ण फल प्राप्ते ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਮੀ ਦੀ ਯੱਗ ਕਰ ਲੈ ਰਾਸੂ ਯੱਗ ਕਰ ਲੈ ਪ੍ਰਤੀਖਾ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਟ ਫਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਦ ਸਾਚੇ ਯੁਗਾਦ ਸਾਚੇ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਨਾਨੇ ਕੇ ਉਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਬੇਟਾ ਸੇਜ ਲਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ
अग्नि का था
देखो मां बाप कि मर्जी की जो इस वक्त अग्नि का दान देने अखा के आंसू चार एक चौथे वाले अठ बनी अज की होया जी ला जी हम किसी पंडित जी उखाला कर गगन पुराण की अहमियत सारा व्याख्या का प्रमाण की नौवे दिन पुत्र तो खाते तो जाना दसवें दिन गंगा मैया की गोद अस्त अच्छा ये दसो कंखल अस्थियों को जब प्रवाह करें देखो गंगोत्री छे गौ मुख इतने गंगा मैया प्रगट हुई है भगवान शिवलिंग एक कलकत्ते तक जाती मुक्ति को कर हर चीज है महत्व दस उठे महान चरण है सावन मिलीन गंगा की अहमियत सब तो पवित्र दसी एक शास्त्र का प्रमाण है कि गंगा में लैके राजा शगन के 60,000 पुत्र सी इनके 60,000 पुत्र हो बंदा तो पता है बंदे को पता नहीं समझता राजा ने अश्विन यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया घोड़ा कपिल मुनि ने महाराज ने पकड़ लिया किसी श्रापी ने जाके किया राजा तेरा घोड़ा जो है कपिल मुनि ने पकड़ लिया राजा बड़ा क्रोध आ गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जिस वक्त बुद्धि बंदे की भ्रष्ट होती है ना वो बड़े बड़े की हो गई ते राजे भी नहीं हो सकते जिथे राजा बैठा थी राजा मुखिया कपिल मुनि महाराज जी बैठे तू जाके मेरा पूछता ले राजा महाराज जी तुम मेरा घोड़ा पकड़े क्यों कहते ना अखी देखना ते करनी सुनना चार उम्र का फर्क है और जिसे बैठे थे उन्होंने छाती में जाके लत मारी ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिंदे नाल 60,000 परिवार का सर्वनाश हो अरण्य के सुर ने मारे अहंकार ने रावण को अहंकार ने कंस को कहते अहंकार मारे कहते बिल्कुल गलत पापी ने जिस वक्त पाप ज्यादा फस जाते हैं अहंकार के विच वो पापा के थले डुब के अपने आप ही मौत दे मरता अकाली जो देख लो कहने बदमाश मेरे तक 3 या 4 साल की उम्र होती है वो अपनी मौत दे अपने गुरबाणी में कुछ शब्द लिखे है सुखी बसे मशकीनिया आप नवाबी तरे बड़े बड़े अहंकारिया नानक करवे अज ठीक है तेरे को कुर्सी तेरे को ताकत तेरे को दौलत तेरे को पावर कितने बहुत प्रमाण बंदा बंदे की मार सह जाता है पर जिस वक्त उस अकाल पुरख की मार पैंदी है ना फिर सर्वनाश केड़ा है परमात्मा सर्वनाश और जिंदगी की कहावत भी है इस वक्त माड़ा वक्त आंदा कि चींटी भी हाथी नूं एक भगीरथ बच्चे कहने मैं करा की भाई सारे परिवार का विनाश हो गया हूं करा की गंगा मैया की स्तुति है गंगा मैया कहती कि मेरी धारा इतनी तेज है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਮੀ ਰਮੇਸ਼ਮ ਨਿਰਮਾਨ ਨਿਰੂਪਮੇ ਕਾਲੋ ਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਗੁਣਨ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਲ ਚਰਨ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ਼ਾ ਘਾਟ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਾਂ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਦਸ ਫੀਟ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿਤ ਹੈ। ਦਸ ਫੀਟ ਦੀ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕ 16 ਫੀਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਦਾ ਸੀ ਅਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10-11 12-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 16 ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਭੂਪ੍ਰੇਤ ਸਾਜਿਕ ਸਾਜਿਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿ ਪਿੰਡੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਿੰਡੀ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਕ ਪਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਥ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਕ ਜਨਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਰਦੇ ਕਰਮਾਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੀ ਐਸ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਬਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਜਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਰਕੇਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁੱਕੂ ਧੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ
राजू होरां नूं इही कहांगा कि परमात्मा का पाणा मनना ही पैना, इस तरह समाज के विचरना, व्यापार भी करना, कामकार भी करना, लेकिन लोगों के विचरना पैना। सो अज सारे तुसीं इस धीम परिवार के नाल दुख साझा करन वास्ते आए हो, दुख साझा करन दे नाल दुख घटदा है। तुहाडा सारिआं दा चल के आना कि कदम इस परिवार के सिर मत्थे ते है, परिवार हमेशा ही वड्डा ही नहीं रहेगा। ओम शांति शांति शांति। परिवार के संबंध होर भी जिन्हें सज्जन मेले योग तो साढ़े नीलकंठ परिवार बबलू पंकी जी क्योंकि परिवार के नाल बड़ा एक प्रेम और सारा सेंटर टाउन खाना परिवार भी बैठा है, सारे जिन्हें मेले योग तुम तल के आए हो तो श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि का मतलब श्रद्धा जेड़े पुष्प जेड़े आए आ अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, जी तुम दो चार मिनट की अरदास की है ये अरदास पितरिया अगे पहुंचेगी। परमात्मा उन्होंने चरणों में निवास स्थान देकर कुड़मदार की पगड़ी लैके अगे आओ और खाने का इंतजाम जोड़ा है लंगर के रूप में पिछले पास लगा है और दो बार खरीद की मंत्र का उच्चारण करके शांति पाठ करो। आइए इस शुभ सभा शांति पृथ्वी शांति आपा शांति गौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेभ्यः शांति शांति देवे शांति सामा मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरी फरियाद तेरे दर उते और सुना तेनू मेरी फरियाद तेरे दर उते और सुनावा केनू और सुनावा केनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।